नमस्कार, हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी जो आर्थिक परिणाम है, आर्थिक जो व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार की, उसी आर्थिक व्यवस्था के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से हम तत्कालीन भू राजस्व जो प्रणालियाँ थी उनको हम जानने का मुख्य रूप से प्रयास करेंगे। तो देखिए, मुख्य रूप से अंग्रेज़ों ने भारत में तीन प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ जो है वो अपनाई: जमींदारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। हम इनकी पृष्ठभूमि भी जानेंगे, तीनों का अर्थ भी जानेंगे, परिणाम भी जानेंगे। यद्यपि प्रारंभ में 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा भी प्रारंभ की, किंतु व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इजारेदारी का मतलब क्या होता है साहब? तो सबसे पहले 1772 में इसने इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? वारन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी, मतलब एक ठेके पे देना। ब्रिटिश शासनकाल में ही तीन भू राजस्व व्यवस्थाएं प्रभावी रही। इजारेदारी प्रथा मुख्यतः बंगाल में ही लागू की गई थी। तत्पश्चात लागू की गई जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस और कर्नाटक के उत्तरी भागों में इसको लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस और कर्नाटक के उत्तरी भागों में लागू किया गया। रेतवाड़ी पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो रेतवाड़ी पद्धति मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई, जबकि महलवाड़ी पद्धति मध्य प्रांत, यूपी और पंजाब में लागू की गई। इन विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार से है, हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि इजारेदारी प्रथा क्या थी, इजारेदारी सिस्टम क्या था। देखिए, इजारेदारी सिस्टम क्या था, किसने लागू किया, तो सबसे पहले चीज़ जाननी है 1772 में किसने लागू किया? वारन हेस्टिंग्स ने लागू किया, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन सी प्रथा थी? ये इजारेदारी प्रथा थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बनेगा कि साहब 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व प्रणाली लागू तो की, इजारेदारी प्रथा, लेकिन ये थी क्या, इसका मतलब क्या है समझिए। इसको अपनाने का मुख्य उद्देश्य था भू राजस्व वसूल करना। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि भारत से शोषण करो, अधिक से अधिक धन एकत्रित करो। तो इस व्यवस्था के तहत भी वही मुख्य दो विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? पंचवर्षीय ठेका, 5 वर्ष के लिए ठेका देना था। अब ठेका दोगे तो अगला शोषण ही करेगा साहब। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको भूमि ठेके भी दी जाती थी, किंतु इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई। पंचवर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 ईस्वी में उसे परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया और ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। अर्थात अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रतिवर्ष दिया जाने लगा, यानी जो पहले 5 वर्ष पे दिया जाता था वो कब दिया जाने लगा? वो प्रतिवर्ष हो गया सब। किंतु प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था और असफल रही क्योंकि इससे भू राजस्व की दर तथा वसूली की राशि की मात्रा प्रतिवर्ष परिवर्तित होने लगी। इससे कंपनी को अनिश्चितता होती थी अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा। इस व्यवस्था का दोष ये भी था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। चूंकि इसमें इजारेदारों, ठेकेदारों, जमींदारों का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वे भूमि सुधारों में कोई रुचि नहीं लेते थे। तो इसमें मतलब इनका भी उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक कर वसूल करो, भाई भूमि का सुधार अपन क्यों करेंगे, अस्थायी स्वामित्व था इसलिए भूमि सुधारों में वो रुचि नहीं लेते। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करना होता था, लगान वसूल करना, इसलिए वे किसानों का उत्पीड़न भी करते थे। इजारेदारी वसूल की पूरी रकम कंपनी को भी नहीं देते थे। इस प्रकार इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा, वे कंगाल होने लगे। यद्यपि व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी फिर भी इसने कंपनी की आय में बड़ी वृद्धि की। अब देखिए, हम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो पढ़ रहे हैं वह स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट और इस्तमरारी बंदोबस्त। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से कंपनी के लिए एक समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने जो इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, उसके काल में वार्षिक लगान व्यवस्था जारी रही, यानी प्रतिवर्ष। बाद में वारन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की 1772 में, किंतु इसे समस्या सुलझने के बजाय उलझ गई। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण कृषक बर्बाद होने लगे और कृषि का प्रभाव होने लगा। तो 1886 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आया, कौन आया 1886 में? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना। कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी और उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। उसके सम्मुख सबसे प्रमुख कार्य कंपनी के लगान व्यवस्था में सुधार करना था। प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था का राजस्व वसूली में आई अस्थिरता व अन्य दोषों के कारण कंपनी के डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करे और वार्षिक ठेके की व्यवस्था
से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से स्थायी समझौता कर लें। डायरेक्टरों का आदेश था, यही आदेश अंत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख कारण बना। तो ये स्थायी बंदोबस्त की भूमिका थी। इसके फलस्वरूप भू राजस्व और लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। याद रखना इसके तीन नाम हैं, जमींदारी व्यवस्था कह दो, इस्तमरारी व्यवस्था कह दो या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कह दो। कुछ समस्याएं क्या है, देखिए समझौता किससे किया जाए, किसान से किया जाए, जमींदार से पहला प्रश्न था। राज्य की पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूल किया जाए। तीसरा, ये समझौता कुछ वर्षों के लिए किया जाए या स्थायी रूप से किया जाए। प्रारंभ इन समस्याओं के संबंध में जॉन सोर, चार्ल्स ग्रांट व स्वयं कार्नवालिस में बहुत मतभेद थे। जॉन सोर अलग कह रहा है, चार्ल्स ग्रांट अलग कह रहा है, कार्नवालिस अलग कह रहा है। इन समस्याओं पर पूर्ण विचार किया गया। अंत में प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास, कंपनी के डायरेक्टर्स जॉन सोर, चार्ल्स ग्रांट और कार्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में स्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया। तो स्थायी बंदोबस्त नाम कब दिया गया, 22 मार्च 1793 में, याद रखना। आगे देखिए, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग था। साहब कितने प्रतिशत भाग था, 19% भाग पे जो है इसको शामिल किया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी, देखिए जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया, यानी भूमि का स्थायी मालिक कौन होगा साहब, आप जमींदार होगा। भूमि पे उसका अधिकार पैतृक था, हस्तांतरणीय था, यानी उसके संतानों को, उसको उसकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जाएगा जब तक वो अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहेंगे, पहली चीज। नंबर दो, किसानों को मात्र रैतों का नीचा दर्जा दिया गया, उनसे भूमि संबंधी उन्हें परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया, किसानों के साथ बहुत गलत हुआ। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं साहब। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपनी वेद उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया, ठीक है, अपने उत्तराधिकारी को दे सकते हैं, मतलब स्थानांतरणीय है। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, किसानों से जो संबंध हो गया वो जमींदार का हो गया। जमींदारों से किसान से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और बाकी 1/1 भाग स्वयं रखना होता था, ये याद रखना। 10/1 भाग कंपनी को, 1/11 भाग स्वयं को रखना। कुल राजस्व का जमींदारों को 10/11 भाग कंपनी को देंगे और 1/11 भाग स्वयं रखेंगे। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम की जाती थी। निर्धारित तारीख तक नहीं करवाएगी तो जमींदारी क्या होगी साहब, नीलाम। कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उद्देश्य, कंपनी द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के 2 मुख्य उद्देश्य थे। इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। जैसे इंग्लैंड में जमींदार वर्ग सरकार के साथ खड़ा रहता है, भारत में कंपनी के फैलते साम्राज्य के मद्देनजर अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश पर यदि नियंत्रण बनाए रखना है तो उनके पास एक ऐसा स्वामी भक्त वर्ग होना चाहिए जो अंग्रेज सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान कर सके। इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट से थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए, कंपनी को सामाजिक आधार प्रदान करे। कंपनी की आय में वृद्धि करना भी एक उद्देश्य था। चूंकि भू राजस्व कंपनी की आय का अत्यंत प्रमुख साधन था, अतः कंपनी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त भी करना चाहती थी, तो ये भी एक रीजन हो गया साहब। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ क्या थे और हानियां क्या थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में इतिहासकारों ने अलग राय प्रकट की है। कुछ इतिहासकारों ने इसे साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना तो कुछ ने इसका विरोध किया है। तुलनात्मक रूप से इस व्यवस्था से होने वाले लाभ और हानियां इस प्रकार थी। जमींदारों को क्या लाभ हुआ, देखिए इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ, वे स्थायी रूप से भूमि के क्या बन गए, मालिक बन गए, याद रखना। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदारों को प्राप्त होने लगी, ये परिणाम हुआ। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समर्थ हो गए और सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत से जमींदार तो गांव छोड़कर शहरों में बस गए, तो इनकी वैभव विलासिता इनमें आ गई। सरकार को क्या लाभ हुआ, तो सरकार को इसमें यही लाभ हुआ कि जमींदार के रूप में सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेज सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया। कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोह को कुचलने में सरकार की सहायता की।
कालांतर में इन जमींदारों ने अनेक संस्थाएं जैसे लैंड ओनर एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन बनाई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति जो है वो एक अटूट निष्ठा प्रकट की, तो ये सरकार को फायदा हुआ। सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि होगी, ठीक है, ये भी एक बड़ा रीजन था। सरकार की आय निश्चित होगी, वृद्धि होना, सरकार की आय निश्चित होना, अपना बजट तैयार करने में आसानी हुई, ठीक है। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने व ठेके देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सकें। उसके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई और प्रशासनिक कुशलता बढ़ी, तो एक कर्मचारी बच गए उनके, तो एक प्रकार से सरकार को फायदे थे। अन्य राजस्व में वृद्धि की संभावना के कारण जमींदारों ने कृषि पर स्थायी रूप से रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। कृषि उत्पादन में वृद्धि का अनेक प्रयास किए गए, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नति होने से व्यापार उद्योग की प्रगति हुई। जमींदारों से न्याय व शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिनसे उनका ध्यान कृषि के विकास में लगा। इनसे सूबों की आर्थिक संपदा में वृद्धि हुई, सूबों की आर्थिक संपदा से सरकार को लाभ हुआ। हानियाँ क्या हुई? इस व्यवस्था में सबसे अधिक हानि किसानों को हुई, इससे उनके भूमि संबंधी उन्हें परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे केवल खेतिहर मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदार के अत्याचार और शोषण का सामना करना पड़ा, वे पूर्णतः जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए बेचारे, उनका लूटा गया बेचारों को। वे जमींदार राजस्व वसूली की उगाही में उदार थे, भू राजस्व के उस दर सरकार को समय पैदा नहीं कर सके, उन्हें बेरहमी से साथ बेदखल कर दिया गया और उनकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। जमींदारों के समर्थ होने से विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिनसे सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। स्थायी बंदोबस्त ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को बिहानी पहुंचाई। जमींदारों का वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों का भक्त बना रहा और कई अवसरों पर उन्होंने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद की। इस व्यवस्था से किसान दिनों दिन निर्धन होते गए, उनमें सरकार और जमींदारों के असंतोष बढ़ने लगा। कालांतर में होने वाले कृषक आंदोलनों में कुछ के लिए इस असंतोष ने योगदान दिया। इस प्रकार से व्यवस्था ने कुछ कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ उनके आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसका संपूर्ण लाभ केवल जमींदार को प्राप्त होता रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ, इतनी सरकार की आय भी बढ़ी, किंतु अन्य दृष्टिकोण से लाभ के स्थान पर हानि हुई। इसके अधिक संपूर्ण लाभ 15 से 20 वर्ष से थोड़े समय के बंदोबस्त द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे, इस बंदोबस्त को स्थायी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुछ समय के लिए भले लाभदायक रही हो, किंतु इससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया, स्वतंत्रता के पश्चात सभी स्थानों पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी।